अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल व करम और आका अलैहि सलातो व सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज मैं आप अहबाब के सामने एक ऐसी बात अर्ज करना चाहता हूँ जो लोगों के अंदर जो है ये गलत फहमी पैदा हुई है और सोशल मीडिया पे इन दिनों के अंदर जो है हर साल सफ़र के महीने के आखिरी दिनों के अंदर या शुरू से लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर और आम रूटीन में लोग मैसेज पर जो है वो एक बात जो है उसको हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का टाइटल देकर नाम देकर जो है वो मैसेज सेंड करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे लोग जो है वो स्टेटस बनाकर जो है वो लगाते रहते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो इसी हवाले से आज मैं वो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अक्सर औकात जो है कि वो बात दरअसल ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ये बड़ी बरकत वाला महीना है, बड़ी अजमत वाला, बड़ी रहमत वाला महीना है। इस महीने के अंदर हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इस कायनात आलम के अंदर तशरीफ़ लेके आए और इस बात के अंदर ज़रा बराबर भी मुबालगा राय नहीं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की आमद वाला, आपकी विलादत बासआदत वाला महीना रबीउल अव्वल नूर का महीना बड़ी बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला, बड़ी शानो मकाम और मर्तबों वाला है। लेकिन लोगों ने रूटीन क्या बना रखी है कि मैसेज सेंड करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि जनाब जो बंदा रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की सबसे पहले खबर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबर देने की बदौलत, खबर देने के बदले में उस बंदा मोमन को जन्नत अता फरमाएगा, जहन्नम से जो है वो उसको नजात मिल जाएगी। मेरा भाई, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये बात याद रखना। जो इस तरह की बात फैलाते हैं वो सरासर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर झूठ बांध रहे हैं के मुस्तफ़ा ने फरमाया जो रबीउल अव्वल नूर की सबसे पहले जो है वो मुबारकबाद पेश करता है अल्लाह उसे इसके बदले में जन्नत अता फरमाता है, नारे जहन्नम से दूर कर देता है। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। खुदा रा अपनी तरफ से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की तरफ जो है वो झूठ मत बांधो। अब मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो हदीस मुबारक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया जो भी बंदा मेरी तरफ कोई झूठ मंसूब करता है फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए बात अर्ज करने से पहले, बात बयान करने से पहले देखो क्या ये बात, इसकी हकीकत क्या है, ये बात है नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ क्या इसकी हकीकत के साथ भी कोई जो है ये मामलात हैं या नहीं है। दोस्तों, असल वजह ये है हमारे यहाँ लोगों ने रूटीन बना रखी है, बेर चाल चली हुई है। जनाब जो एक तरफ से मैसेज शुरू हो जाता है वो देखते नहीं ये हकीकत है, हकीकत नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बड़ी बरकत वाला, रहमत वाला, अजमतों वाला महीना है। लेकिन जो ये समझे और जो ये कहे कि जनाब जिसने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की सबसे पहले मुबारकबाद पेश की अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, तो मेरा भाई ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की तरफ अगर मंसूब किया जाए तो ये झूठ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते व बरकात पर जब बांधा जाए। तो याद रखना, करीम आका ने फरमाया जिस बंदे ने आम बात को मुस्तफ़ा की हदीस बनाकर लोगों के सामने पेश किया फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
ये बात याद रखना, हर बात को ऐसे ही रूटीन के साथ जो है वो हदीस मुस्तफ़ा ना कह दिया करो, बल्कि हदीस जो हो उसको हदीस कहा करो। इसलिए कहीं ये ना हो हम गलत फहमी के अंदर जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बत का प्रचार करते करते कहीं हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को नाराज़ ना कर बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात बयान करने, हक बात सुनने और हक बात जो सुने जो बयान करें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।